ये रहा, ये सारा चेक हुआ है और भाई ये सब चेंज हुआ है। तो भाई लेट्स रिवील द नंबर। अब बाकी टोटल 34। अभी वो नीचे का ये इंजन में शायद खुलेगा। तो ये वाला पार्ट खुल चुका है भाई, ये ऊपर का पार्ट खुल चुका। ये है मोबिल फिल्टर, ये है ब्रेक पैड। क्या हुआ है, कोई दिक्कत है? नहीं पता, उनके लिए बता देता हूँ भाई। टैपेट इसलिए टाइट करवाया जाता है। लास्ट काम बच गया था, चैनल लूप करना। ये होता है अच्छे से चलाने का फायदा। तो भाई आज हमारी गाड़ी का फर्स्ट सर्विस होने वाला है, क्योंकि 495 किलोमीटर चल चुका है और गोरखपुर जाते जाते ये हो जाएगी 550 किलोमीटर। तो हेलो बडीज, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आज के अपने वीडियो में। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी को सर्विस कराने, फर्स्ट सर्विस कराने वाला, क्योंकि 495 किलोमीटर चल चुकी है हमारी गाड़ी और 500 किलोमीटर में फर्स्ट सर्विस होता है। और भाई अब फर्स्ट सर्विस के बाद हमारी गाड़ी जाएगी 6 RPM तक, समझ रहे हो। तो भाई वीडियो में बने रहो, आगे बताते रहूंगा भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ फर्स्ट सर्विस से पहले इसमें क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो भाई इसका फ्यूल गेज है। भाई ये आज तक मुझे कभी एक्यूरेट फ्यूल नहीं बताया कि भाई कितना फ्यूल हमारे टैंक में बचा हुआ है, मतलब मैं हमेशा परेशान रहता हूँ उससे। अभी भी ये एक परसों कर रहा है। और भाई दूसरा तो भाई जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई मुझे पीछे वाले ब्रेक से कुछ साउंड्स आ रही हैं, मतलब जब भी मैं पीछे वाला ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ वो पीछे साउंड करता है। तो सेकंड प्रॉब्लम हो गया। और भाई मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल ही मतलब प्यार से चलाता हूँ भाई, मेरे ज़्यादा कोई इस गाड़ी से प्यार करता ही नहीं होगा। और भाई मैं अपनी गाड़ी के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, फूल सब अलग है मेरा। तो लो भाई पहुंच गए नायरा फ्यूल स्टेशन। बस यहाँ पे पावर पेट्रोल हो, पावर नहीं भी होगा तो भाई नॉर्मल भरा लूंगा, क्योंकि भाई जरूरी है। फुल कर दीजिए भैया। भाई आज हमारी टंकी होने वाली है फुल। और भाई देख लो इसमें टोटल कितना फ्यूल आता है, क्योंकि फ्यूल इंडिकेट कर रहा था 0 to स्टार्ट। ओके भाई 0 से स्टार्ट हो रहा। अरे अरे भैया आराम से बाहर आ रहा छीटा बाहर। भैया टंकी पे पूरा दाग हो जाएगा। आठ सौ का जाएगा भाई। देखे भाई 12 लीटर का फ्यूल है और फ्यूल इंडिकेट कर रहा, फ्यूल गेज इंडिकेट कर रहा था। और भाई देख लो भाई मतलब फिर भी इसमें 4 लीटर पेट्रोल था, फिर भी यही प्रॉब्लम है भाई। देखो भाई ये जो होल दिख रहा है ना आप लोग को, उसके ऊपर आपको पेट्रोल नहीं लेके जाना चाहिए। तो भाई अगर आप लोग कभी भी टैंक फुल कराओ तो उसके ऊपर फ्यूल उसके ऊपर मत लेके जाना भाई। अभी भी इंडिकेट कर रहा है यार, क्या फ्यूल गेज है ये, अभी भी फ्यूल इंडिकेट कर रहा है। आप लोग के सामने टैंक में फ्यूल कराया हूँ और अभी देखो फ्यूल दिखा रहा भाई, मतलब इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना फ्यूल मीटर को लेकर, क्या बताएं हम। चलो कोई ना, इतनी बड़ी मशीन ली है तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो सही लेंगे। तो भाई ब्रेक टाइम। चलो भाई थोड़ा चाय का चुस्की लेते हैं। और भाई ये देखो फाइनली भगवक्कर भाई कितना हो गया, ओ चालू हो जाओ भाई 551 किलोमीटर्स। ओह भाई क्या सेक्सी लग रही है यार अपनी बाइक। चलो भाई पहले चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो भाई नाश्ता पानी हो गया। और भाई मेरा माइक क्या गंदा हो गया है, मैं रास्ते पर फुल कॉन्फिडेंस से भाई मैं रास्ते पर फुल कॉन्फिडेंटली एकदम बोलते हुए आया हूँ कि भाई माइक सही है ये है वो है। और भाई मैं रास्ते में रुक के कहीं चेक भी नहीं किया कि भाई, क्योंकि मैं पहले चेक कर चुका था और भाई पहले इसका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया था। और भाई अभी इसने क्या ही गंदा हक दिया यार, पूरा माइक का साउंड ही इधर हो गया। आप लोग शायद जो वॉइस सुने होंगे वो मैं शायद ओवर वॉइस कर किया हूँगा, क्योंकि भाई अब मैं घर पर जाकर ओवर वॉइस करने वाला हूँ। तो भाई लेट्स गो, पहुंचने वाले हैं शोरूम पर। यहाँ से बस 30 सेकंड का रास्ता होने वाला है हमारा शोरूम तक का। वो रहा हमारा शोरूम, दिख गया हमारा नहीं रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। ओ बंद क्यों है भाई, मैंने तो अभी अभी कॉल से पता किया था भाई।
ये क्या बीटी हो गया, कॉल करना पड़ेगा। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भाई रॉयल एनफील्ड का सर्विस। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भाई रॉयल एनफील्ड का शोरूम में, और भाई हमारे पीछे खड़ी है जीटी ये, और भाई इसका फर्स्ट सर्विस होने जा रहा है अभी, देखते हैं भाई। काफ़ी पहले आ गए, पहला नंबर अपना ही है, और भाई अभी आधे घंटे बाद हमारा सर्विसिंग स्टार्ट होगा, हमारा नहीं बाइक का सर्विसिंग स्टार्ट होगा। और फिर जब स्टार्ट होता है तो बताता हूँ भाई इसमें क्या क्या दिक्कत आता है, उस हिसाब से बनवाते रहेंगे भाई। तो भाई शोरूम पहुँचे थे, और ये देखो भाई कितनी पुरानी कॉन्टिनेंटल जीटी है भाई। भाई ये बहुत पुरानी है, मतलब ये मॉडल बहुत पुराना मॉडल है, देख रहे हो ये आप। इसके इससे आप लोग इससे कुछ याद आ रहा है कितना पुराना है ये जीटी का मॉडल, बहुत पुराना मॉडल है ये जीटी का। तो भाई ये खड़ी रही हमारी गाड़ी, और भाई इसका नंबर प्लेट भी आने वाला है, हमने बुक कर दिया नंबर प्लेट, जल्दी नंबर प्लेट आ जाएगा भाई। ये लो पेपर बन गया हमारी गाड़ी का, और भाई सर्विस होने जा रहा है, और भाई भैया सर्विस कर रहे हैं, बढ़िया करना भैया। लो अच्छा बढ़िया भाई, बस अब जल्दी जल्दी ये सर्विस हो जाए फिर लेकर निकलेंगे भाई, 6,000 RPM पे गाड़ी अपनी। भाई यहाँ पे अभी लग रहा है पैडॉक स्टैंड नहीं है, तो भैया जा रहा है स्टैंड लगाने अपने बाइक में। तो भाई सोच रहा हूँ मैं इसमें स्टैंड इंस्टॉल करवा दूँ, क्योंकि अगर पंचर हुआ ना तो भाई बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टैंड नहीं है तो भाई बाहर क्या होगा। तो अभी स्टैंड लगवाते हैं, फिर अगर ट्राई करेंगे तो स्टैंड लगवा देंगे इसमें परमानेंट। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी का टंकी खुल चुका है, और भाई ये देखो कितनी पतली लग रही है भाई, देख रहे हो। अभी भाई चेक कराते हैं, हाँ ठीक भाई, एक सर्विस किट अब लग रहा है इस गाड़ी में, और वो सर्विस किट इसमें पड़ेगा, और एक टैपिक कुछ एडजस्टिंग का है, मतलब ये इधर एडजस्टिंग एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्टमेंट कराएंगे और फिर निकलेंगे। बाकी इसका पीछे का ब्रेक पैड हमें चेक करना है, जो भैया चेक करके देंगे हमें। पीछे देखो इसका लुक कैसा लग रहा है। ये देखो अब हमारी गाड़ी का मोबाइल निकलने वाला है, टी देखते हैं भाई कितना मोबाइल निकलता है, और भाई कैसा निकलता है भाई, यहाँ से सर मोबाइल निकलता है वो भाई। भाई ज़्यादा जला तो नहीं है, देखो ये होता है अच्छे से चलाने का फायदा, मोबाइल ज़्यादा काला नहीं हुआ है, ठीक ठाक है। हाँ टोटल कितना मोबाइल आता है इसमें, 3 लीटर 3 लीटर भाई टोटल गाड़ी में मोबाइल आता है हमारे भाई, एक एक खोल खोल के सारे मोबाइल बाहर निकल रहे हैं। देखो आ गया है हमारा नंबर, देखो बस देखो कितना, देखो नंबर, देखो नंबर। बाकी अभी रिवील करते हैं नंबर, बगल में ही है गाड़ी का नंबर अपने, बस अब सर्विस करा लेते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को नंबर क्या है। ये है मोबाइल फिल्टर, वो जो सामने पड़ा हुआ है ना, बस वही सेम। अब ये भी चेंज होता है, मेरे को नहीं पता था, मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि ये भी चेंज होता है, बाकी देखते हैं भाई। ये मोबाइल और भाई ये पता नहीं क्या है, कुछ तो है भाई, ये समझ नहीं आ रहा भैया, पता होगा रबर टाइप है समथिंग, देखते हैं भाई। अभी जा रहा है नया मोबाइल फिल्टर, ये जो आगे से निकला है ना आप लोग देखे हैं वही लगे गए हैं मोबाइल फिल्टर भाई। ये देखो मोबाइल फिल्टर लगने जा रहा है अपना भाई, बहुत शोर है यार यहाँ पे, देखो मोबाइल डिप हो रहा है अंदर, वापस मोबाइल जा रहा है, 3 बोतल मोबाइल जाएगा, पर बोतल 1 लीटर का है भाई, देख लो भाई। जल्दी इसको मॉड्यूल का मोबाइल डलवाएंगे, अगले सर्विस में हम मॉड्यूल का मोबाइल डलवा देंगे, क्योंकि भाई उससे परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, अभी ये फिलहाल रॉयल का है, रॉयल एनफील्ड लिक्विड गन ऐसे कुछ है। बाकी मोबाइल डल गया, सब कुछ हो गया, बस एयर फिल्टर चेक होगा और फिर फटाक भाई। ये देखो ये वाला पार्ट खुल चुका है भाई, ये ऊपर का पार्ट खुल चुका है, और ये देखो भाई पूरा सिस्टम भाई, या ये है भाई ये मतलब वो जो पार्ट है ना, वो जो मैं बोल रहा था कहाँ यूज होगा, देखो वही निकला है, वो शायद वहीं लगेगा, अभी वो नीचे का ये इंजन में शायद खुलेगा, देखो ये इंजन भी खोलेंगे क्या, हाँ अच्छा वो एलाइनेशन मिला रहे हैं, मतलब वो पार्ट वापस से वहाँ पे लगेगा भाई, क्या ही लग रही है यार खुलने के बाद, ये एकदम मशीन, प्योर मशीन। ये
अभी जस्ट पता चला जो जो भैया है ना ये इधर ये जो खड़े हैं जो भैया हमारे बाइक का काम कर रहे हैं वो भैया 13 साल की उम्र से काम कर रहे हैं और ये भैया पंजाब लुधियाना से हैं। मतलब भाई 13 की उम्र से काम समझ रहे हो भाई भाई बहुत टाइम हो गया इनको काम करते 5 साल बोल रहे हैं लद्दाख वदाख में काम कर रखे हैं। बाकी अभी सर्विस कम्प्लीट हो जाता है फिर निकलते हैं। तो भाई यही है डबल इंजन 4 स्ट्रोक देख रहे हो इस साइड और इस साइड 4 स्टॉक गाड़ी है। देख लो भाई इसी को बोलते हैं स्टॉक। नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ भाई टेपे टेस्ट के लिए टाइट करवाया जाता है क्योंकि भाई उसमें से इंजन आवाज आता है जब बाइक नहीं रहती है तो इंजन से आवाज आता है। और भाई अगर एक बार आप लोग टेपे टाइट करा दोगे तो इंजन साइलेंट हो जाता है बस इतना समझ लो इंजन से आवाज आना बंद हो जाता है। तो भाई अगर टेपे आप लोग नहीं टाइट कराते हो फर्स्ट सर्विस में टाइट करवा लेना जरूरी होता है ठीक है क्योंकि कंपनी इंजन का टैपेट थोड़ा लूज करके देती है और आप लोग को टाइट कराना जरूरी है तो याद से टाइट करा लेना। ये देखो खुल चुका है भाई ये है ब्रेक पैड देखो बेस्ट होता है भाई ये सबसे बढ़िया होता है जल्दी घिसता नहीं कि यहाँ इतना शोर है ना चारों साइड गाड़ी है सब बुलेट सर्विस हो रही है भाई खुल चुका है अभी इसको चेक करते हैं भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई पूरा है थोड़ा भी नहीं घिसता है ये घिसता भी नहीं है जल्दी आगे चेक कराते हैं। भैया क्या हुआ है कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं थोड़ा ब्रेक मार देते हैं ना थोड़ा सा कुछ हो जाता है प्लेन हो जाता है ना थोड़ा सा पकड़ते तब आ जाता है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है बस थोड़ा बहुत ब्रेकिंग सिस्टम में दिक्कत आ गया था ठीक हो जाएगा वो सर्विस के मतलब नई गाड़ी रहती है तो ऐसे होता है तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये देखो टैंक लगने जा रहा है फाइनली फ्यूल टैंक सारा काम हो गया ऊपर से नीचे ए टू जेड सब डन हो गया। बाकी अभी फ्यूल टैंक लग जाएगा सीट लग जाएगा ये कवर हो जाएगा और फिर हमारी गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। मैं ये साउंड नहीं चेक कर रहे थे अभी जस्ट तो उसमें से साउंड आ रहा है कि नहीं। अब देखो भाई पहले इंजन से खिट 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 की आवाज़ आता था अब पूरा साइलेंट हो चुका है अब बिल्कुल साउंड नहीं है। लो भाई पूरी गाड़ी रेडी हो गई अब इसको जाना है धुलवाने और बिलिंग करना है। बाकी देख लो भाई टन टन आटन बस बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है यार हर जगह सिर्फ वो मोबिल लग रखा है कहीं स्क्रैच नहीं आने दिया है। आई बेस्ट पार्ट इसी से बताऊँ जो भी चीज़ चेंज कराओ मोबिल से लेकर जो भी फिल्टर विल्टर जो भी चेंज कराना हो सब एक जगह कराओ और लेके निकल लो घर भाई अपने ये सब छोड़ना नहीं चाहिए यहाँ पे। लास्ट काम बच गया था चैन लूप करना देखो भाई चैन लूप करवा लेना याद से ये नहीं छोड़ा जाता है पैसा लगे पैसा दे दो बट चैन लूप करवाते रहो टाइम टू टाइम। ये रहा ये सारा चेक हुआ है और भाई ये सब चेंज हुआ है इधर है सारे नियम्स देखो रीसीलेंट चैन लूप चैन क्लिनजर इंजन ऑयल फिल्टर कैप और भाई ये सिलेंडर का कवर जो रबर टाइप था वो अब बाकी टोटल 34.53 टोटल यहाँ पर है देख लो 34.53 बिल फर्स्ट सर्विस का इनली खड़ी हो गई और भैया ने किया भाई तो अभी निकलते हैं भाई एकदम टन टनाटन साफ ऑफ हो गया चलिए भैया थैंक यू ठीक है बिल्कुल चलो भाई हम वापस अपने मोटर व्लॉग सेटअप पर आते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई आ चुके हैं मोटर व्लॉग सेटअप पर लेट्स गो भाई ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल जाना है हमको। भाई फ्री हो गई काफ़ी फ्री हो गई तो भाई लेट्स गो हो चुका है भाई सर्विसिंग अपनी गाड़ी का फर्स्ट सर्विस हो चुका है और भाई अब ये जाएगी सीधा 6,000 RPM तक गाड़ी ईजी ले जा सकते हैं भाई 2,000 किलोमीटर तक आप लोग आराम से या 1,000 किलोमीटर तक आप लोग आराम से 6 RPM तक ले जा सकते हैं उसके बाद 6 RPM के ऊपर जितना ले जाना उतना ले जाइए। बाकी भाई सर्विस का कॉस्ट ज़्यादा में नहीं आया है मतलब ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा आया है भाई 3500 आया है हमारा टोटल इस पर खर्चा जो भी लगा है और भाई देखो टाइम से हो गया हमारा समथिंग समथिंग 2.5 hours लगे हैं और भाई साउंड के लिए भाई बहुत बहुत सॉरी यार मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है साउंड के लिए पहले थोड़ा बहुत वाइब्रेट करती थी भाई अब बहुत स्मूथ हो गई वो भाई भाई फर्स्ट सर्विस के बाद मेरे को इजी वो दिख रहा है सारा डिफरेंस और भाई मैंने अपना ये मिरर्स भी अलाइन कराया है क्योंकि भाई इस बार मिरर में दिख नहीं रहा था और क्या और ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ भाई
अभी तो आवाज़ नहीं आ रहा, बाकी आगे का देखते हैं आगे है या नहीं। हाँ पहुँच चुके हैं घर पे भाई, बैक टू पवेलियन। हेलो भाई, फ्रेंड ने अपना तो भाई आ गई जीटी अपनी फाइनली घर पर। तो भाई लेट्स रिवील द नंबर, इतना देर से सस्पेंस बनाया था, रिवील कर दूं भाई। लो भाई 3991 भाई, 3001 नहीं मिला था मेरे को, 3991 ही मिला था, 3001 बिक गया था भाई। अब बीटर नंबर में भी 3001 नहीं आया था, बाकी देख लो भाई क्या सेक्सी लग रही है। बस भाई ब्लॉग एंड करना भूल गया था, ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और भाई शूट करना भी भूल गया था भाई। बस इस वाले ब्लॉग में इतना ही, जो फर्स्ट सर्विसिंग में जितने इन्फॉर्मेशन थे वो भाई आप लोग को दे दिया हूँ, अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। बाकी नंबर भी आ गया, और बस इतना ही आज के ब्लॉग में, इतना ही, मिलता है अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।